हाय स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं एस नारायणा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरो भोजपुर। एक बार फिर से आप लोगों के बीच 12th क्लास का मैथ के एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। 4.2 का दोस्तों, किसी तकनीकी कारण के वजह से दो क्वेश्चन छूट गया था पिछले वीडियो में, वो अपलोड वीडियो पर यूट्यूब पर ठीक से नहीं हो पाया था, तो उसको हमने 4.3 वाले के साथ में ही कर दिया है। थोड़ा इसको एक दो क्वेश्चन को देख लेंगे, इसके बाद हम 4.3 का थ्योरी देखेंगे आगे। तो चलिए, समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने पिछले क्वेश्चन में 14 में आपको यहाँ तक का सोल्यूशन आपको दिया गया था, देखेंगे इसमें ध्यान से। आरोहण पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करने तक यहाँ तक समझाया जा चुका था, आप देखेंगे यहाँ से, तो उसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 उसमें चूंकि छूट चुका है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद हम 4.3 का थ्योरी देखेंगे। तो दिया हुआ है कि यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो के ए का मान, के ए का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ ए का मान दिया वर्ग आव्यूह, तो हम मान लेते हैं ए का मतलब अपने से भी कि ए का जो एलिमेंट वर्ग आव्यूह है 3x3 कोटि का, तो जारी सी बात है कि इसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ होंगे। तो देखिए, यहाँ पंक्ति तीन है, देखिए पहली पंक्ति के एलिमेंट हम मान लिए बी सी, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हम मान लिए एक्स वाई जेड, तीसरी पंक्ति के एलिमेंट हम मान लिए पी क्यू आर। अब सवाल है यहाँ पे तीन एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह या डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो है एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब देखिए, पहले हम निकाले के ए का मान, तो के ए का मान निकालने के लिए हमने क्या करा कि दोनों पक्षों में के ए से गुना कर दिया है, ए से इधर, के से इधर भी गुना कर दिया, के से इधर भी गुना कर दिया, तो इससे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, के का वैल्यू आ गया। तो के से गुना करेंगे सभी में, तो सभी पंक्तियों के प्रत्येक अवयवों में के से गुना हो जाएंगे, तो गुना होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के ए या ए के बी या बी के, सी के, एक्स के, वाई के, जेड के, पी के, क्यू के, आर के, इस तरह से गुना होगा। अब देखिए, के का डिटरमिनेंट वैल्यू हमको निकालना है, तो के का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर डिटरमिनेंट लगाएंगे तो इधर भी डिटरमिनेंट लग जाएगा। तो के का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ सी वन में, सी वन के प्रत्येक एलिमेंट में देखिए के ए, के एक्स, के पी, सी वन के प्रत्येक एलिमेंट में के है, सी टू के भी प्रत्येक एलिमेंट में के है, सी थ्री के भी प्रत्येक एलिमेंट में के है। तो हम सी वन, सी टू और सी थ्री प्रत्येक से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, के उभयनिष्ठ लेते हैं, के कॉमन लेते हैं, तो के कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ले लेंगे तो के का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा आपके के गुने के, इस तरह से आपके पास आ जाएगा यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो आपके पास बच गया के गुने के का मतलब हो गया के पावर तीन, और ए बी सी एक्स वाई जेड इसका ये देखिए यहाँ पे जो था ये मान ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो देखिए ये ए का मैग्नी, ए का वैल्यू था ये ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो जाहिर सी बात है कि ए का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा वैल्यू इसका मान, तो के ए बराबर के क्यू, ये देखिएगा पावर तीन है, क्योंकि देखिए तीन के है ना, एक दो तीन, थोड़ा के छोटा हो गया यहाँ पे, तो के पावर ये तीन है, तो के क्यू आई इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसका आंसर जो होगा के का जो वैल्यू होगा के क्यू इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसका आंसर सही जो होगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कौन सा कथन सत्य है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से वर्ग, सारणिक एक आव्यूह संबद्ध एक संख्या, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, डी इनमें से कोई नहीं, तो एक सारणिक एक वर्ग आव्यूह है कहना उचित नहीं होगा, ज्यादा उचित आपको है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है कहना उचित होगा, क्योंकि इसका अपना वर्ग आव्यूह तो है लेकिन साथ साथ इसका अपना एक निश्चित वैल्यू भी है, निश्चित मान भी है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा 16 का कौन सा होगा, सी नंबर होगा, केवल वर्ग आव्यूह भी नहीं। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर समाप्त होता है। अब 4.3 का थ्योरी देखेंगे।